सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर में डिफरेंस, वहां पर एक लेजर क्रिएट करने जा रहा हूं। अब लेजर क्रिएट करने का काम तो यहां से भी हो सकता है, तो यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पे लेजर पे जाएंगे। अब ये टैली की मेन मेन्यू है, जहां पर हम अभी थे, ये गेटवे ऑफ टैली, ये टैली की मेन मेन्यू है। यहां से जाकर के फिर लेजर पे जाएंगे और यहां पर हम एक लेजर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक लेजर बनाता हूँ अंकुश, और यहाँ पे ये क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ सी लिख देता हूँ, ठीक है, पहचान के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी होगी, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ठीक है, और इसको आप एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब मान लीजिए सन्ड्री डेटर पार्टी का लेजर बनाना हो, तो यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं युवराज के नाम से, युवराज, और ये डेटर है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया युवराज, और यहाँ पे डेटर के लिए डी लिख दिया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और इसका ग्रुप क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर आना होगा, तो इसे किसी अन्य ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे परचेज अकाउंट में डाल दिया या कहीं भी इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये लेजर किसके नाम से बना है, युवराज के नाम से। देखिए कितना बड़ा जो है दिक्कत आ जाएगा आपके सामने, अभी देखिएगा आप। ये हो गया, ये इस तरीके से हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब हम जब सेल्स में एंट्री पास, क्योंकि डेटर पार्टी की तो एंट्री सेल्स में ही होती है, तो यहाँ से सेल्स वाउचर में जब हम जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेल्स वाउचर में आ गया। अब ये आ गया, एंटर करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो होगा वो डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर किस नाम से था, युवराज से था। तो अब यहाँ पर हम खोजना शुरू करते हैं युवराज का लेजर। देखिए कहीं भी युवराज का लेजर नजर आ रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, फिर एक बार सोचते हैं बना नहीं है, शायद बना नहीं, शायद एक्सेप्ट नहीं कराया, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, युवराज का बनाते हैं, युवराज, ठीक है। और युवराज जो है ये डेटर पार्टी ही है, ठीक है, तो यहाँ फिर बनाते हैं, तो यहाँ तुरंत और नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है। अब ऐसे में वो हो जाते हैं परेशान। तो इसके लिए जरूरी है कि ग्रुप का सही सिलेक्शन बड़े ध्यान से करिए, अगर ग्रुप का गलत सिलेक्शन कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, जैसे डी लगाया था पहचान के लिए कि ये डेटर है, तो सोचते हैं डी हटा देंगे तो शायद डी की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पर डी हटा देते हैं और तब बनाते हैं, तो ये बन जाता है लेजर। और फिर वही गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको किसी दूसरे ग्रुप में, ये ध्यान नहीं देते, ग्रुप का सिलेक्शन सही नहीं करते, और किसी दूसरे ग्रुप में डाल करके और एंटर करके इसे फिर एक्सेप्ट करा लेते हैं, और फिर जब एंट्री पास करने जाते हैं तो यहाँ पे युवराज दिखाई नहीं पड़ता है, तो सोचते हैं कि लेजर गया कहाँ हमारा, तो लेजर कहीं नहीं गया, आपने ग्रुप गलत डाल दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। तो कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप का सही सिलेक्शन बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से पहले बाहर आ जाइए। अब इसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है, हम सीधा कहाँ जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, और अल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाने के बाद युवराज का लेजर देखेंगे, तो दोनों लेजर आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये युवराज डी वाला लेजर सही कर लेते हैं। ये जो परचेज अकाउंट था, ये परचेज अकाउंट ना होकर क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा, तो सन्ड्री डेटर यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, और डेटर चूज करके यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस वस कर लीजिएगा, और एंटर एंटर करके यहाँ पे स्टेट वगैरह चूज करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे स्टेट चूज कर लीजिएगा, फिलहाल तो कंट्री चूज करना पड़ेगा, इंडिया आई, तो ये इंडिया चूज कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, बात खत्म। अब ये हो गया। अब जब आप जाएंगे एंट्री पास करने, तो आपको यहाँ पे युवराज का लेजर दिखाई पड़ेगा, पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपने सही कर दिया ना, तो वाई प्रेस करते ही आपको युवराज भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, अब आराम से आप एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी दिक्कत कभी आए तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपने ग्रुप गलत कर दिया होगा, तभी आपसे ऐसी दिक्कत आ रही है, ठीक है।